पीले बैकग्राउंड में देख सकते हैं शिवांग को. शिवांग आज प्रैक्टिस कर रहा है अपने स्केट्स की और स्केटिंग. उसने पूरे घर को आज मॉर्निंग से स्केटिंग रिंग बना दिया है और सुबह से इसकी प्रैक्टिस चल रही है और अभी इसने काफ़ी अच्छा बैलेंस करना सीख लिया है. आप जैसा कि देख सकते हैं ये इसने काफ़ी एक दो बार गिरा है ये बैलेंस करने में, लेकिन ये बहुत अच्छा बैलेंस करने लगा है आराम से. अभी ये जानबूझ के गिरा है, ये अभी जानबूझ के गिरा है ये कैमरे में फन करने के लिए, थोड़ा सा कैमरे को दिखाने के लिए. ये अभी देखिए जानबूझ के गिरा है. अभी ये देखिए बहुत अच्छी स्केटिंग करने लगा है. और अभी क्या है, इसको ये स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है तो हम सोच रहे हैं अब इसको इवनिंग में शाम के वक्त पार्क में जाया जाए या स्केटिंग वाले एरिया में जाया जाए ताकि वहाँ पे ये बहुत अच्छे से इसको स्पेस मिल जाए और ये बहुत अच्छा कर सके. ये देखिए ये अब ये बहुत अच्छी स्केट ये देखिए बहुत अच्छी स्केटिंग करने लगा है. आज में ये बिल्कुल बहुत अच्छे से परफेक्ट हो गया है. इसने बैलेंस बहुत अच्छा बना लिया है. कल रात ये पूरी रात एक दो घंटा लगा रहता, तो अभी हम सोच रहे हैं इसके लिए ये स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है तो अभी हम इवनिंग में जाएंगे पार्क में, तो फिर मिलते हैं फिर. सो गाइस शाम के बज गए हैं 4:30. अरे 5:30 हो रहे हैं. 4:30 का हो रहे हैं, 5:30 हो रहे हैं. तो शाम के बज गए हैं 5:30 और जैसे कि मैंने गुल्लू से प्रॉमिस किया था कि मैं उसको शाम को लेके नीचे ग्राउंड में जाऊंगी और उसको प्रैक्टिस के लिए स्केटिंग प्रैक्टिस के लिए पार्क में कहाँ प्रैक्टिस होगी, ग्राउंड तो होगा और स्केटिंग वाला ग्राउंड. अच्छा स्केटिंग वाला. हाँ तो स्केटिंग वाले ग्राउंड में मैंने इसे कहा था कि शाम को मैं उसको लेके जाऊंगी क्योंकि उसको यहाँ पे स्पेस नहीं मिल रहा था. तो अब हम रेडी होते हैं जल्दी से और चलते हैं फिर स्केटिंग की तरफ. तो चलिए हमारे साथ अब भी चलिए. तो गुल्लू आप रेडी चलने के लिए रेडी, तो चले फिर. हाँ. चलो सो गाइस अब हम रेडी हैं, शिवांग भी रेडी है. शिवांग रेडी? चलिए शिवांग एक्साइटेड भी है और रेडी भी क्योंकि बाहर जा रहा है आज. तो चलते हैं फिर. ये देखिए स्केटिंग ग्राउंड. शिवांग का ये आराम से ओ मैंने बोला था ना आप बहुत तेज जा रहे हो और लगी आगे को बैलेंस बनाओ और आप बहुत फास्ट कर रहे हो. अभी आपको सिर्फ अपना स्टेप वन स्टेप टू स्टेप ऐसे उठाना है और ऐसे करोगे तो बहुत तेज लगेगा. है बहुत जबरदस्त है. कैसा लग रहा है आपको स्केटिंग करके, जैसे आप हवा में उड़ रहे हो? हाँ चलो स्टार्ट हो जाओ. अभी
गुल्लू का ये फर्स्ट डे है और फर्स्ट डे में इसने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स किया है। ओ आराम से काफ़ी गिरा भी है ये एक बार यहाँ पे गिर गया, दो बार घर पे गिरा है और गिरते गिरते ही संभलते हैं, संभलना सीखते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा भी मन कर रहा है शिवांग के साथ मैं भी स्केटिंग शुरू कर दूँ अपनी। बैलेंस बनाओ, ये देखिए अब ये मुझे सिखा रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत इजी है, फिर मैं तो सीख जाऊंगी ना। ठीक है, और बोलो आगे 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 की तरफ, अपने वेट को आगे की तरफ करो। हाँ, और वन स्टेप सेकंड स्टेप, तो फर्स्ट डे में गुल्लू ने काफी अच्छा इम्प्रूव किया है, काफी अच्छा सीख गया है ये बेटा किसका है ये देखिए शिवांग को देख के दो बच्चे और भी आ गए इनका भी मन कर रहा है लगता है स्केटिंग करने का। बच्चे बच्चों को देख के सीखते हैं, बच्चों को देख के इनका मन कर जाता है। ओहो ओ ये भी आए हैं स्केटिंग करने के लिए, अच्छा अपना स्केट लेकर आए हैं ये, क्या बात है। शिवांग का फ्रेंड मिल गया, शिवांग को, शिवांग की बातें खत्म हो गई, अब स्टेट स्टार्टिंग स्टेट स्टार्ट हो गया इसका। शिवांग थक चुका है और अभी बैठा है, अभी इसका कितना बार ब्रेक हो गया, कौन सा टाइम वाला ब्रेक है, थर्ड टाइम वाला ब्रेक, फोर्थ टाइम वाला ब्रेक, इसका फोर्थ टाइम वाला ब्रेक है ये लेकिन ये एक्चुअली गर्मी भी बहुत है और ये चला कमर भी दुख रही है। चलो खड़े हो जाओ, स्टार्ट को, शिवांग का स्केटिंग पार्टनर भी मिल गया, यहाँ इनकी दोस्ती भी हो गई है। मैं यहाँ पे कितना बोर हो रही हूँ मेरा भी मन कर रहा है मैं अभी स्केट्स करूँ। हाँ, इन्हें कितना मजा आ रहा होगा स्केटिंग करने में, ये देखिए यहाँ स्केटिंग ग्राउंड में काफ़ी हलचल हो गई है। उनको सबको पता चला है कि शिवांग का फर्स्ट डे है, तो फर्स्ट डे वो शिवांग का इतना अच्छा परफॉर्मेंस देख के वो भी सोचने लगे हैं बच्चे कि हम क्यों सीख रहे हैं स्केटिंग सर से, स्केटिंग वाले सर से हम क्यों सीख रहे हैं मम्मा। तो एक है छोटी सी बिटिया है, उसकी मम्मा उसे पहना रही है, स्केट्स पहना रही है, तो वो भी अपनी मम्मा से बोल रही कि मम्मा हम क्यों सीख रहे हैं, जब ये फर्स्ट डे सीख सकता है मैं क्यों नहीं सीख सकती। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्केट वाला जो सर है वो जब आएगा तो उसको ऐसा ना लगे कि इसके पेट पर लात पड़ गई तो मुझे ऐसा लगता है तो नहीं चाहिए किसी को कि शिवांग फर्स्ट डे इसने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो मुझे लगता है ओवरऑल टाइम काफ़ी हो गया है, हम बहुत जल्दी आ गए थे और अब बज रहे हैं 6:30। यस 6:30, तो अब मुझे लगता है हमें घर चलना चाहिए, मैं भी काफ़ी थक गई हूँ, बोर भी हो गई हूँ, मेरा बड़ा मन कर रहा है चाय पीने का। और हमारे शिवांग तो मुझे लग रहा है एक आध हफ्ते में एक्सपर्ट होने वाले हैं और कहीं ओलंपिक में ना चले जाए थक चुके हैं मेरे पुत्र जी, फर्स्ट डे इसके लिए काफ़ी थकान भरा रहा है मुझे लगता है, लेकिन सही है अभी बच्चों के साथ ये एंजॉय कर रहा है। अभी बच्चे और आए हैं यहाँ पे,
और इन बच्चों के साथ ये इंजॉय कर रहा है। कैसा लग रहा है? मैं इस वाले बेटे से पूछती हूँ, उसे कितना टाइम हो गया है सीखते हुए? बेटा आपको कितना टाइम हो गया सीखते हुए? आपको कितना टाइम हो गया सीखते हुए? मेरे को 2 months. 2 months हो गए आपको? ओके, वेरी गुड। इस वाले बेटे को 2 months हो गए हैं सीखते हुए, और अगर मैं कंपैरिजन करूं तो गुल्लू बहुत अच्छा कर रहा है। तो गुल्लू, उस वाले आपकी फ्रेंड को 2 months हो गए, मम्मा ने अभी पूछा है उसे सीखते हुए, तो आपको तो आज फर्स्ट डे ही है, तो आप 2 months बाद आपको क्या लगता है कि आप कैसे, मतलब कितना कर जाओगे, कितना अच्छा सीख जाओगे? बहुत बड़ा वाला ग्राउंड चाहिए होगा। क्यों, ये छोटा है क्या? ये भी तो कितना बड़ा ग्राउंड है। अच्छा, ये 2 किलोमीटर दूर है। आपको कैसे पता है 2 किलोमीटर दूर है? ओहो, नाप के आए हो। ठीक है, मतलब फिर आपको इससे बड़ा ग्राउंड चाहिए। ठीक है, डन। चलो स्टार्ट हो जाओ, 10 मिनट्स और हैं, 10 मिनट्स के बाद फिर चलते हैं घर। गुल्लू अपना एक लास्ट राउंड और करके आ रहा है, उसके बाद फिर हम घर की तरफ निकल रहे हैं। यो, चले, चलो अब हम चलते हैं घर के लिए आराम से भाई। अब शिवांग थक चुका है, और रुको मैं बॉटल तो ले लूँ। रुको, वेट 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 वेट, रुको। आज का दिन बहुत अच्छा रहा, गले ने बहुत मस्ती करी और बहुत अच्छे से स्केट्स भी करी, लेकिन आप जैसे कि देख सकते हैं ये थक गया। रुक जाओ आराम से। चलो आप जैसा कि देख सकते हैं ये काफ़ी थक गया है। गुल्लू थक गए हो आप? बहुत थक गया है, बहुत लो फील कर रहा है। एक तो गर्मी, ऊपर से फंस गए, तो अभी हम घर जा रहे हैं। गुल्लू को एनर्जी ड्रिंक पिलाएंगे। क्या पियोगे गुल्लू? ग्लूकोन डी? नहीं, कोल्ड कॉफ़ी? फिर इसे पार्क जाना है, इसको पार्क जाना है। चलो, तो गुल्लू काफ़ी लो फील कर रहा है, इसलिए अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ। सो गाइज, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में बहुत जल्द।